कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर होने के बाद कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा प्लस के 5 मामले सामने आए हैं। इसमें भोपाल में 3 और उज्जैन में 2 मामले हैं। इसमें से उज्जैन के एक मरीज की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिस महिला की मौत हुई है उसे टीका नहीं लगा था। मध्य प्रदेश ने 3 दिन में दूसरी बार 10 लाख से अधिक टीके लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। बुधवार को देश में शाम 6 बजे तक 59 लाख डोज लगाए गए। इनमें 20% मध्य प्रदेश में लगे, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य बहुत पीछे हैं। मध्य प्रदेश 21 जून को 17 लाख टीके लगे थे। इसके लिए मध्य प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। प्रदेश भाजपा में चल रही सरगर्मियों के बीच राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार शाम को भोपाल पहुंच गए हैं। उन्होंने करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सीएम हाउस में बैठक की। बैठक के बाद जब सिंधिया से मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में जगह पाने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मेरे डीएनए में सिर्फ सेवा है। रीवा पुलिस ने प्रेमी युगल के साथ शर्मनाक बर्ताव किया है। यहां प्रेमी के साथ बस में संदिग्ध हालत में मिली युवती से पुलिस ने अपशब्द कहे, साथ ही युवती को अर्धनग्न अवस्था में ही थाने ले गए। इसका वीडियो बस संचालक ने मोबाइल से बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना सोमवार रात की है। मध्य प्रदेश के हरदा जिला अस्पताल में एक असामान्य बच्ची ने जन्म लिया है। उसके दोनों पैर घुटने से उल्टे हैं, यानी पंजे पीठ की तरफ हैं। डॉक्टर इसे दुर्लभ केस मान रहे हैं। उसे स्पेशल न्यूबॉर्न चाइल्ड केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। मध्य प्रदेश में मॉनसून के दौरान लोकल सिस्टम बनने से बारिश हुई। बुधवार को राजधानी में गर्मी और उमस के बाद दोपहर में करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर इंदौर में भी दोपहर बाद कुछ जगहों पर तेज और कहीं पर हल्की बारिश हुई। इसके अलावा सागर में भी बारिश हुई।